तो जैसे तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था किस प्रकार से घर बैठे कैसे अपना आयुष्मान कार्ड को कैसे आप बनवा सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपना आयुष्मान कार्ड बनवा भी लिया है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाए, उनका जो स्टेटस अभी पेंडिंग में चल रहा है, अभी तक उनका जो कार्ड है अप्रूव नहीं हुआ है। तो मैं आपको इस बताने वाला हूँ जिन लोगों को यहाँ पर अभी स्टेटस पेंडिंग में, तो उसको कैसे आप अप्रूव करा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, इस मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप से बताने वाला हूँ अपने मोबाइल के माध्यम से ही, कैसे अपने जो आयुष्मान कार्ड को कैसे ऑनलाइन घर बैठे यदि आपका पेंडिंग में है तो कैसे उसको अप्रूव करवा सकते हो। यदि आपको भी जाना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, और यदि आपको वीडियो पसंद वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑफ से लेकर लीजिए ताकि दोस्तों इसी प्रकार के सभी वीडियो को आपको उससे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आप भी अपने कार्ड को अप्रूव करा सकते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने गूगल ऐप अपने क्रोम में जाएगा, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा बेनिफिशियरी nhsgov.in। जैसे आप सर्च करते हैं बेनिफिशियरी पोर्टल, इस पर वो क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से डेट शो हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। यहाँ पर आप जैसे आपको दो प्रोसेस मिल जाएगा, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर, यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाता हूँ। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार से आपको डेस्कटॉप शो हो जाए जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर अपने स्कीम को पीएम जो सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपका सर्च भैया उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप सर्च कर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको डेस्कटॉप शो जैसे कि भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपके फैमिली में जितने भी दोस्तों सदस्य रहेंगे आयुष्मान कार्ड जिन जिन लोगों का यहाँ पर बना रहेगा उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं यानी कि सब जन का यहाँ पर जो कार्ड है अप्रूव है, और दोस्तों एक जन का मैंने यहाँ पर कार्ड बनाया है ये यहाँ पर भी पेंडिंग में शो हो रहा है। तो यदि आप भी अपने कार्ड को अप्रूव कराना चाहते हो तो किस प्रकार से अप्रूव करा सकते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताऊँ। जैसे कि भी आप देखते हैं जो ये कार्ड है अभी ये दोस्तों वेरीफाई है और यहाँ पर पेंडिंग में सो रहा है दोस्तों, ये कार्ड यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ है। तो किस प्रकार से अप्रूव करा सकते हैं चलिए मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आप जितना इसको डेस्कटॉप साइड से ओपन करके यहाँ पर अपनी जो फैमिली की पूरी लिस्ट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने यहाँ पर आपको जो फैमिली आईडी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपना जो भी दोस्तों यहाँ पर अभी दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि अभी प्रॉब्लम दोस्तों आपको ये जो प्रॉब्लम पेंडिंग वाली आ रही है दोस्तों ये भी आपको उनके स्क्रीनशॉट में होना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल जो साइट है इस पर आपको डायरेक्टली विजिट हो जाना। यहाँ पर आपको सर्च करना pmgovernment.in, जैसे आप सर्च करते इसकी ऑफिशियल यहाँ पर आपको वेबसाइट नजर आ जाएगी। एंड इसको आप डेस्कटॉप साइड में ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रोसेस आ जाता है। एंड यहाँ पर अपने मेनू पर क्लिक कीजिएगा, मेनू पर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपके पोर्टल्स वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीवियंस पोर्टल, जैसे कि भी आप देखते हैं यहाँ पर सो हो जाएगा ग्रीवियंस पोर्टल, तो इस पर आपको क्लिक कर दें। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा आपको। एंड ये भी दोस्तों पोर्टल यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है जैसे कि आप देखते हैं, यानी ग्रेवियंस पोर्टल है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लेम दे सकते हैं आपका दोस्तों स्टेटस अभी पेंडिंग में। तो क्लेम देने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी, यहाँ पर चेक करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लेम देना चाहते हैं यहाँ पर रजिस्टर योर ग्रेवियंस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पर क्लिक करने का किसी प्रकार से आपको प्रोसेस आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर तो कुछ इस प्रकार से आपको ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला क्या ग्रीवेंस है, तो यहाँ पर आपका अपना पीएम जो सिलेक्ट कर लेना है। एंड सो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर तो फिर से एक नया यहाँ पर आपको पेज आ जाता है। एंड ये पेज यहाँ पर सक्सेसफुली यानी कि रिलोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखते हैं यहाँ पर ग्रेवियंस फॉर्म है, यहाँ पर अपना जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको फिल करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना ग्रेवियंस टाइप है, यहाँ पर आप जैसे आपको फिल करना है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो भी दोस्तों यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर स्टार बना रहा है दोस्तों सभी डिटेल्स आपको फिल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप ग्रेवियंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप किसके लिए यहाँ पर आप करना चाहिए, आपको हॉस्पिटल है या फिर जो भी है। तो मैं बेनिफिशियरी हूँ, यहाँ पर जो भी आपका प्रोसेस है यानी प्रॉब्लम है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे कि खुद में बेनिफिशियरी हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और तो यहाँ पर आप किस केस में आप करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लेन दर्ज करना है या फिर जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर, जैसे कि मैं कंप्लेन दर्ज करना चाहता हूँ मेरा जो यानी कि एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है, यहाँ पर मैं कंप्लेन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं आर यू एनरोल अंडर पीएमजे, यानी कि आप पीएमजे के अंदर है तो यहाँ पर यस करना है, यदि आप नहीं है तो यहाँ पर नो करें। जैसे कि मेरे दोस्तों ये पेंडिंग में सो रहा है यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर लेता हूँ। नो पर क्लिक करने के दोस्तों यहाँ पर जो ये ओके का ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ठीक। यदि आपका केस हिस्क्रेमेंटी है तो दोस्तों इसको आपको यस पर या फिर नो पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर नीचे आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स को आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आधार की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका स्टेट कौन सा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा यहाँ पर आपको फिल करना है, एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना, जो भी आपका एड्रेस आधार पे हो यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा।
यहाँ पर दोस्तों अपना ईमेल आईडी को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को भी आप अटैच कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर अपना ग्रेवियंस डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आप जैसे ग्रेवियंस एजेंट क्या है, जैसे कि आपका रीजन क्या है, वो यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका रीजन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर, जैसे कि यहाँ पर मेरा रीजन कोई नहीं है तो यहाँ पर उसको ऑर्डर या फिर सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर ग्रीवियंस असिस्टेंट यानी कि आपको ऑर्डर से फिल कर, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। इसमें जो आपको नहीं मिला तो आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मेरा जो आयुष्मान कार्ड है पेंडिंग में भरे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आयुष्मान कार्ड पेंडिंग यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एंड ये फिल करने दोस्तों जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर आपको फिल करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को फिल करना है। एंड यहाँ पर नेचर और ग्रीवियंस, अपना नेचर को फिल करना है, नेचर क्या है यहाँ पर आपको ग्रीवियंस का यहाँ पर वो फिल कर देना है। एंड उसके दोस्तों आपको अपने ग्रीवियंस डिटेल्स में यहाँ पर आपको ना पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको यानी कि 3000 कैरेक्टर्स में आपको लिखना है, कैरेक्टर्स में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स आपको लिख देना है कि आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पर कितने दिन तक आपने कार्ड यहाँ पर अप्रूव कराया और अभी तक आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको ये दोस्तों यहाँ पर लिखकर आपको सबमिट कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोडेड फाइल का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर आपको पीडीएफ जीपीजी और एक्सेल वर्ड में यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, या फिर यदि आपके पास वीडियो और फोटो नहीं है तो यहाँ पर अपने ऑडियो या फिर अपने वीडियो को आप अपलोड कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो यदि आपके पास फोटो नहीं तो यहाँ पर अपने सिलेक्टेड फाइल पर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्टेड फाइल जाने के बाद यहाँ पर आपको जो मीडिया को आपको सिलेक्ट कर देना है, मीडिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी यानी कि फाइल है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप फाइल अपलोड करेंगे आपको उसको मर्ज करके अपने जो स्क्रीनशॉट ले उसको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को मर्ज करके यहाँ पर अपने जो फाइल को अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद इस कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद तो आपको नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर चलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पर अपने ओटीपी को आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको ओटीपी को यहाँ पर जो आपको ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो ग्रीवियंस यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैक योर ग्रीवियंस पर क्लिक करके अपना जो स्टेटस है यहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है ट्रैक योर ग्रीवियंस स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करके अपना जो स्टेटस यानी यहाँ पर आपको जो ग्रीवियंस आईडी नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करके उसको आप चेक कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में सीखा यदि आपका स्टेटस पेंडिंग में तो किस प्रकार से उसको अप्रूव करा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको इसे समझने की कोई दिक्कत या फिर कोई अन्य क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगली वाली वीडियो में या फिर दोस्तों आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में बस यही एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूं। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नई कैट कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तुम तक ले जय जय भारत, वंदे मातरम।